हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से ई ग्राम स्वराज पोर्टल में नया वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर का अकाउंट डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वेंडर का जो अकाउंट नंबर देते हैं, पेमेंट के टाइम पे उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आता रहता है। तो ऐसे मामले में हमें क्या करना है कि उस वेंडर का एक नया अकाउंट नंबर हमें देना होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर का अकाउंट डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन करना है और हमें मेकर लॉगिन से लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेकर लॉगिन ओपन किया है। अभी यहाँ पे कैप्चा कोड देके मुझे लॉगिन करना है। मेकर लॉगिन में लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे देखना है, यहाँ पे देखिए मास्टर एंट्री में जाना है आपको, और उसके बाद बेनिफिशियरी पे आपको जाना है, फिर आपको मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ऐड के बाद देखिए मैनेज ऑप्शन है, इस मैनेज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही देखिए, उसके बाद आपको ये एजेंसी पे क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए, जिस भी वेंडर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब अकाउंट डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं, उस वेंडर को आप यहाँ पे सर्च कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 34 नंबर वेंडर है, इस वेंडर का अकाउंट मुझे चेंज करना है। तो सिंपली इस वेंडर के राइट साइड पर देखिए मॉडिफाई ऑप्शन है, तो सिंपली इस मॉडिफाई ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। देखिए ये मॉडिफाई ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए, इस वेंडर का डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाम, एड्रेस, किस बैंक अकाउंट में अकाउंट था, ये सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम, इस चीज़ को आप एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम नाम में आप सिर्फ अकाउंट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहते हैं तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो अगर ज़रूरी नहीं है तो एड्रेस सेम रहेगा। अगर आप बैंक नेम चेंज करना चाहते हैं, मतलब सपोज इंडियन बैंक था, अभी स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो अगर बैंक चेंज होता है तो बैंक, नया बैंक सेलेक्ट कीजिए और उस बैंक ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पे डालिए। तो मेरे मामले में सिर्फ अकाउंट नंबर चेंज होगा, मतलब सेम बैंक में सिर्फ दूसरा अकाउंट यहाँ पे एडिट होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैंक नेम और IFSC कोड सेम रहेगा, सिर्फ अकाउंट नंबर जो है वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नया अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर देने के बाद हमें अपडेट पे क्लिक करना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपका बैंक चेंज हो रहा है, मतलब कि सपोज़ इंडियन बैंक से SBI या फिर यूनियन बैंक हो रहा है, तो वो ऊपर जो बैंक नेम का ऑप्शन है वहाँ पे आपको नया बैंक सिलेक्ट करना है, और नीचे जो IFSC कोड का ऑप्शन है वहाँ पर आप जो भी नया बैंक का डिटेल्स देने जा रहे हैं उसका IFSC कोड लिखना है, और नीचे अकाउंट नंबर भी, मतलब नया अकाउंट नंबर भी आपको लिखना है। तो उसके बाद सारे नए डिटेल्स यहाँ पे देने के बाद आपको नीचे जो अपडेट ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए अपडेट हो चुका है। अभी हमें इस वेंडर को अप्रूव भी करना होगा, उसके लिए मास्टर एंट्री में जाइए, फिर बेनिफिशियरी, उसके बाद अप्रूव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद एजेंसी ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए।
इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो जिस वेंडर का आपने एडिट किया था अकाउंट डिटेल्स, उस वेंडर का नया अकाउंट डिटेल्स आपके सामने शो होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो ये जो अप्रूव बॉक्स है इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अप्रूव एजेंसी। तो अभी देखिए इसको हमें डिजिटली साइन करना होगा, मेकआर्ड एंड चेकआर्ड बोथ लॉगिन से हमें इसको डिजिटली साइन करना होगा। तो मेकर लॉगिन से सबसे पहले करते हैं, तो इसके लिए आपको अपना जो मेकर लॉगिन का DSC है उसको इंसर्ट करना होगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो DSC इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मास्टर एंट्री में जाना है और उसके बाद DSC मैनेजमेंट पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा साइन अप्रूव वेंडर फाइल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने उस वेंडर का डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए व्यू ऑप्शन में जाके आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सब कुछ सही है तो इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे एक्शन पे आप अप्रूव पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको अभी अपना DSC का जो टोकन पिन होता है उसको अभी यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका DSC टोकन पिन लिख के ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये मेकर लॉगिन से डिजिटली साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंफर्म साइनिंग, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली। उसके बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो ये मेकर लॉगिन से साइन हो चुका है। अभी हमें चेकर लॉगिन में जाना है और चेकर लॉगिन से भी हमें डिजिटली साइन करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें लॉगिन ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हमें चेकर लॉगिन पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं चेकर यूज़र ID एंड पासवर्ड सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कैप्चा कोड देके मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको चेकर लॉगिन का जो DSC है उसको भी इंसर्ट करना है लैपटॉप या कंप्यूटर में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखिए जो मास्टर एंट्री ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद नीचे जो DSC मैनेजमेंट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद साइन अप्रूव वेंडर फाइल, इस पर क्लिक करना है। और सिमिलर देखिए यहाँ पर भी आपको ये सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए नेम, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर यहाँ पर भी शो होगा। तो इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे एक्शन के ऑप्शन में यहाँ पे अप्रूव सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो DSC का टोकन पिन होता है उसको यहाँ पे लिखना है और सिंपली ओके पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद सिमिलरली कंफर्म साइनिंग, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी एक मैसेज आएगा, वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली, मतलब वेंडर फाइल चेकर और मेकर दोनों लॉगिन से सक्सेसफुली साइन हो चुका है। अभी हमें इसका स्टेटस अगर देखना है तो वापस से हमें मेकर लॉगिन में जाना होगा, मतलब वेंडर फाइल एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए हमें ये देखने के लिए हमें फिर से मेकर लॉगिन में जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं लॉग आउट करूँगा और उसके बाद फिर से मेकर लॉगिन में क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए मेकर लॉगिन में मैं लॉगिन करूँगा और उसके बाद मास्टर एंट्री में जाना है, फिर बेनिफिशियरी में जाना है और उसके बाद मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एजेंसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एजेंसी को सर्च कीजिए, देखिए ये वाला एजेंसी था। तो सिंपली इस व्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे
जो स्टेटस है ये अभी इन प्रोसेस लिखा हुआ है। मैंने ये अभी किया था इसलिए इन प्रोसेस दिखा रहा है। ये मैक्सिमम 48 आवर्स टाइम ले सकता है। तो एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे स्टेटस जो है ये यहाँ पे एक्सेप्टेड ये लिखा आएगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।